अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं सभी लोग? या मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। या जो भाई मैं चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलो, ताकि आप लोगों को मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। आज की वीडियो जी हम लोग अपनी शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जी, मौसम देख सकते हो, बादल आ रहे हैं बड़े आउट क्लास किस्म के जी, इस सारी जगह से पीछे से ना सारे बादल आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, 7:30 का टाइम है। पहले आप लोग छत देखो भाई। ओए होए भाई, आपके भाई ने रात लगा के पूरी सफाई की है इधर छत की। भाई मेरी डिक्की आर्मी खुली ही है, उनको भी अभी बंद कर लेते हैं। नहीं बल्कि सॉरी मजाक कर रहा हूँ, बंद मैं कह रहा हूँ। हम लोग ना अपने बाकी कबूतर वगैरह भी खोलते हैं, चूजे वगैरह निकालते हैं और अपने टेरों को ना चकोड़ों को निकालते हैं। सॉरी चलो जी, चकोड़ों को निकालते हैं, यहाँ पे इनको बाहर निकाल लें। और आप लोग भाई देख रहे होंगे सामने नया कबूतर आया, भाई ने ना पर काटे ना उसको कुछ किया और उसे ऐसे ही खोल रहे हैं, इतना दिलेर हो गया भाई। भाई चेक करना आएगा बाहर, ये देखो आ रहा है बाहर, आन दो, नया कबूतर आया, ये देखो। डर नहीं यार किसी का, जाते जाए बाहर आ, दिखा जरा बाहर आ, ये देखो उसने पर खोल लिए हुए हैं, उसने पर खोल लिए हैं। यार मैंने ना धागे बांधे थे यार, मैंने पर बांधे हुए थे इसके, भाई इसने अपने पर खोल लिए हैं, धागे लटक रहे हैं। अब इसको ना पकड़ के एक मिनट देखना पड़ेगा क्या पर पूरे खुले हुए हैं या फिर आधे खुले हुए हैं, जिसे उड़ नहीं पाएगा। नहीं तो पकड़ के ना इसे जल्दी से बांधते, नहीं तो इसने निकल जाना। कल मैं लेके आया हूँ, अभी है बड़ा उड़ने वाला है, बड़ा प्यारा माशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, पहले इसको अंदर करते हैं। ये भी तो तुम लोग मेरे लिए दुआ करो, अभी इसको अंदर करते हैं। ओए अंदर जा, ओए चल 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 चल। ओए 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 ओए, उसने पर खोल लिए हुए हैं, ये देखो जी, ये देखो पर खोल लिए हुए हैं, कितना तेज है यार। शुक्र है अभी नजर आ गया, नहीं तो इसने तो निकल जाना था। कबूतरी है, दिखा दूंगी, ये देखो। मैं ना कल आया, मैं आप लोग को बताता हूँ यार, मुझे ना एक भाई ने कहा था, कहते कि यार आप कबूतरों के पर ना काटा करो, उन्हें एक हफ्ते के लिए बांधा करो, कह रहे एक हफ्ते के बाद उसे खोल लिया करो, देखना कबूतर वापस आएगा। कहते वो कबूतर पक्का हो जाता है, कह रहे इस तरह क्या होता है, कबूतर ना एक तो उड़ना भूल जाता है और दूसरा क्या होता है यार, वो एक तो उड़ना भूल जाता है और साथ में ना दूसरा पक्का नहीं होता, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। तो इस वजह से ना मैंने इसके पर बांधे, मैंने मेरा पक्का था, मैंने कहा इसे एक हफ्ते के अंदर ना मैंने खोल देना है, इसी हफ्ते के अंदर अंदर मैंने इसको खोल देना था। भाई ये तो खुद ही खोल रहा है, ये आप लोग देख सकते हो जी, कबूतरी है यार ये, ठीक है। एक तो मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं जो भी कबूतर ले जाता हूँ ना, मुझे कबूतरी मिलती है। मेरे पास तकरीबन ना मेरे पास माशाल्लाह 14 कबूतर हो गए हैं, जिसमें से मेरे पास हैं तकरीबन एक, कितने कबूतर हैं, एक कबूतर, ठीक है, दो ये ब्राउन वाला, ठीक है दो हो गए, ये काला तीन हो गए, और ये काले के पास जो खाना खा रहा है चार, चार कबूतर है टोटली, कबूतरियाँ पड़ी हैं यार। मुझे मेरी किस्मत ही ऐसी है यार, मैं क्या करूँगा मुझे बताओ। फिलहाल अभी इसको देख लो जी, उड़ने वाली है बस। तो अब देखते हैं, इस दफ़ा ना मैंने भी पक्का किया हुआ है कि अपने जो मेरे कबूतर हैं ना, इनकी पक्की, इनकी मैं कह रहा हूँ छोड़ना है इनको, मैं भी देखता हूँ बाजी में खड़े होंगे। मजाक कर रहा हूँ लोगों ने भैया हमारे कबूतर, मैं कहूँ एक तो हमारी छत पे वापस नहीं आनी, दूसरी अभी ना यार मैं आप लोगों को बताता हूँ जी। अभी ना यार मैंने उस कबूतर का क्या किया जी, उसने ना अपने टोटली पर खोल लिए हुए थे, दोनों पर खोल लिए हुए थे भाई। मैंने क्या किया, मैंने ना उसका एक पर पूरा बांध दिया, एक पर उसका पूरा खोल दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये घूमने इसका ये वाला पड़ना पूरा खुला हुआ है, उड़ के कहीं पे भी नहीं जाता ये भाई, ये कबूतर आपके भाई का पक्का है, ठीक है। अभी ना हम लोग क्या करते हैं, अभी आप लोग को मैं बताता हूँ जी हमारे एक कबूतर के साथ क्या हुआ है, क्या सीन चला है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, अभी यार उला डाल जाती है। मैं आप लोग को बताता हूँ यार, सामने ना देखो कबूतर आके बैठा हुआ है, ये देखो जी रंग हुआ हुआ है भाई, ऑरेंज और साथ में अपना ग्रीन फेवरेट है। चलो नहीं ऑरेंज ग्रीन है, बता मेरा पिंक और ग्रीन है। अभी ना जी अपने चूजे खोलते हैं। ओ हाँ भाई इधर हो, क्या हुआ है,
यार पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो ये माशाल्लाह कितना प्यारा कबूतर है यार, ये कसम से यार कितना लेवल का कबूतर है। ओए ओए सारे रल के भाई उसे खा रहे हैं जैसे। इधर हो जा, इसका साथी खोलने जरा। ओए मैं खाना नहीं मिलना इस तरह नीचे उतर, दरवाजा बंद ही कर दिया। सारे ऐसे उधर जाओ भाई, देखो अपने कबूतर किस तरह खाने। तुम्हारा भाई छापर नहीं खुल रहा, खुलेगा तो मिलेगा भाई इनका ना। कसम से मैं इतना माशाल्लाह दाना लेके आता हूँ आप लोग, मैं बताता हूँ। बोले यार इनको खाना खिलाते हैं। ओए 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 ओ भाई ओ भाई ओ भाई सारी कांपड़ी है। ये लो खाते रहो यार। आज ये काम करना हम भूल गए, अपनी चकोरे और मुर्गे खोलने ही भूल गए यार हम लोग तो। अभी इनको जल्दी से जी खोलते हैं अपने चकोरों को और मुर्गों को। जी आजो भाई आजो आजो आजो। वो मेरे ख्याल इसीलिए चीखे मारी थी क्या हमारे से पहले, उन्हें क्यों खोला है। आजो भाई आजो। अब लो भाई ये बाहर आ गए। अभी नहीं मैं आप लोगों को बताता हूँ जी। भाई ये देखो कौवा ना इन्हें तंग करने के लिए, चल ले उड़। मैं आप लोगों को बताता हूँ जी, मैंने ना ऊपर अपने 5 से 6 कबूतर बिठाए उड़ने वाले। एक उसमें शराजी है जो कि अपना यहाँ का पक्का है। ये कौवा ना बार बार उन्हें तंग करेगा जिसकी वजह से ना यार मजबूरन पकड़ना पड़ रहा है। तो अभी ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से कबूतर ऊपर बिठाए हैं। ये देखो जी माशाल्लाह, उधर से फिर आया, उधर से फिर आया। ये देखो पता नहीं यार क्या हो रहा है इसको, मुझे समझ नहीं लग रही। ये देखो जी माशाल्लाह अपने एक कबूतर बैठे हुए हैं, ये सारे उड़ने वाले हैं बस ये वाइट को छोड़ के। ठीक है टोटली उड़ने वाले कबूतर हैं, तो मैंने इनको इसलिए बैठाया ताकि ना थोड़े पक्के हों छत के। बाकी आप लोग देख लो जी सारे सही हैं। इधर अपना एक और मेरा ख्याल कबूतर है, हाँ एक ही उड़ने वाला है इसको, लेकिन मैंने ना अभी छोड़ा नहीं। ये 2 उड़ने वाले हैं, ये काला भी उड़ने वाला है। इनको मैंने अभी इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अभी मैंने एक के पर खोले हैं, दूसरे को मैंने इसलिए नहीं छोड़ा। मैंने कहा यार कहीं इधर उधर छलांग मार दे सारे आगे पीछे हो जाए, पकड़े नहीं जाएंगे। टैडी के पर आ रहे हैं, टैडी के पर आ रहे हैं लेकिन ना यार उड़ नहीं रही। इसको मैंने अभी ऊपर छोड़ा, ऊपर से नीचे से छलांग मार दी वापस को, मैंने फिर इसे पकड़ के ज़बरदस्ती ऊपर बिठाया। यार इस तरह क्या होगा, हमारे जो कबूतर होते हैं ना यार वो जैसे ऊंचाई पर बैठते हैं ना उनको नीचे की अपनी छत पक्की रहती है कि हमने यहाँ पर आना है। इस वजह से ना यार मैंने इनको बिठाया। तो अब देखते हैं अल्लाह खैर करे यार, उसके बाद जब इनके पढ़ेंगे ना तो ये अब आगे इनका ही काम है, तो ये उड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी वाइट वाले के पढ़ हमने दोबारा से काट देने, ये आएंगे ना इन सब के, इसके और अपना ये इस काले के और इसके, इनके नहीं काटने, ये ऐसे ही रहेंगे। अब हमारे पास कितने उड़ने वाले हो गए मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 2 3 3 ये 4 ये 5 6 7 7 उड़ने वाले हैं जी माशाल्लाह, 7 उड़ने वाले अपने पास कबूतर हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार आगे जब अपने 4-5 कबूतर आसमान में 7 उड़े होंगे ना, क्या यार मज़ा आ रहा होगा। लेकिन ना यार ये कहीं उड़ ना जाएं बस इस चीज़ का डर है। बाकी भी मैं आप लोगों को आगे बादल दिखाता हूँ जी, ये बादल चेक करो आ रहे हैं, बारिश का है। क्यों मारते हो यार उन्हें, इन्हें क्यों मारते हो, कहाँ पे है नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखो ये है, चले उधर जा, इसके पर खुले हुए हैं यार, बस दुआ करना है कहीं पे भी ना जाए। है तो इधर का, इधर कहीं नहीं जाएगा ये। एक पर इसका खुला हुआ है, एक बंदा हुआ है। एक जो खुला हुआ है ना वो तो बस खुला ही हुआ है, जो बंदा हुआ है ना वो ऐसा बंदा हुआ है कि मैं ही खोल सकता हूँ, ये नहीं खोल सकता इसको। ये देखो जी माशाल्लाह सारे इधर है। वो चिट्टा पीछे चला गया खाना खाने, इसके ऊपर भी ना मैंने थोड़ा सा खाना फेंका हुआ है ताकि खाते रहे। अभी नहीं फेंका, तकरीबन हो गए मुझे 2-3 हफ्ते हो गए हैं, डाला हुआ था कि ताकि ना सारे खाते रहे, लेकिन अब वो बैठे हैं ऊपर तो वो खा रहा है। यार तुम लोग ना सोचे होगे कि मेरा जो वाइट ब्राउन शराजी था वो कहाँ चला गया है और मेरा जो दूसरा ब्राउन शराजी था वो कहाँ गया है। मैं ना तुम लोग को बताता हूँ यार, मेरा ना जो वाइट ब्राउन शराजी था ना उसे ना यार बड़ी गंदी बीमारी हुई थी उसकी आंखों की, इसने ना मेरे दूसरे कबूतर को भी लगा दी, इसलिए मैं वाइट ब्राउन शराजी को ना दे आया हूँ। तो मेरा जो वाइट जो मेरा पूरा ब्राउन था बिल्ली का पार्ट यार वो बेचारा बीमार हो गया, उसे मैंने अंदर रखा हुआ है। तो उसकी मैं आंख आप लोगों को दिखा देता हूँ जी। अभी
बेचारा बहुत हैवी किस्म का बीमार होगा, उसे मैंने अलग कर दिया होगा उसे, आज मैं इंशाल्लाह लाजमी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। ये देखो जी, ये इसकी आँख, पानी आ गया यार इसकी आँखों में, पता नहीं क्यों पानी आ रहा है, मुझे समझ नहीं लग रही। बाकी आज इंशाल्लाह इसे मैं लाजमी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए भी हम नीचे चलते हैं, नीचे जाकर जी वहाँ पर आप लोग से मिलते हैं, अपने तोते वगैरह दिखाते हैं। नीचे यार मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो ना, सारे तोते आपके से अपने सही हैं, लेकिन ब्लू वाला नहीं सही यार, डेड हो गया यार। ये देखो, ये जो हमें गिफ्ट में मिला था ना यार, वो चारा अब नहीं रहा। ओहो सॉरी मजाक करो यार, चारा फोत हो गया हुआ है, डेड हो गया हुआ है। बाकी आप लोग देख लो जी, सारे सही हैं। ये तोती ना अंदर काम डाल रही है, खुजे के अंदर अंदर जाती है, नीचे देख सकते हो आप लोग, सारी लकड़ी इसने फेंकी है अंदर से, सारा इसने खाली कर दिया हुआ है भाई, सारा तोड़ तोड़ के ना नीचे फेंकी जा रही है। बाकी आप लोग देख लो जी, बस ये बेचारा मर गया, भी इसे अंदर जाके ना निकालते हैं, इसे दफना के आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल अहमद ब्लॉग 847 इसको सब्सक्राइब करना मत भूलो, मेरी वीडियो का लाइक कर दो और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलो, ताकि आप लोग को मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर देखो जी, सारे कबूतर अपने उतराए हुए हैं, नीचे बंद भी कर दिया हुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल या फिर परसों हम लोग इसको भी बिठाएंगे।